आज हम बात करेंगे गोखरू यानी कि गोक्षुरा के बारे में, जिसको त्रिकंटक भी कहा जाता है। जानेंगे इसके लाभ क्या है, हानियाँ क्या है और क्या है इसकी सेवन विधि। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ महादेव और आप देख रहे हैं महादेव योगी यूट्यूब चैनल। आइए शुरू करते हैं। बहुत ही औषधीय गुणों से युक्त पौधा है ये गोखरू, जिसको त्रिकंटक, गोक्षुरा अलग अलग नामों से जाना जाता है। मराठी में इसको सराटा भी कहते हैं। तो जानते हैं क्या है इसके बेनिफिट, क्या है स्वास्थ्यवर्धक लाभ। इसकी तासीर हालांकि गर्म होती है और स्वाद में ये मधुर होता है। त्रिदोष नाशक है ये गोखरू गोक्षुरा। वायु रोगों को ठीक करने में सक्षम है। हमारे स्किन के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसके सेवन से त्वचा चमकीली बन जाती है। सांसों से संबंधित बीमारियों में ये काफ़ी लाभ पहुंचाता है। हृदय विकारों में लाभदायक है। उसी प्रकार अर्थराइटिस में, शाइटिका में भी ये लाभदायक है। खांसी में यह फायदा पहुंचाता है। यह बलकारक है, शक्तिवर्धक है, बलवर्धक है, मूत्र शोधक है, मूत्रवर्धक है, रक्त शोधक है। उसी प्रकार ये मसल बिल्डिंग में काफ़ी फायदा पहुंचाता है। यह नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है, इसलिए बॉडी बिल्डिंग वाले इसको काफ़ी पसंद करते हैं। यह शरीर को पुष्ट बनाता है, मजबूत बनाता है, मांसपेशियों का निर्माण करता है। उसी तरह से ये बांझपन में, यौन विकारों में काफ़ी लाभदायक है। मूत्र प्रणाली को ये ठीक रखता है। शीत वीर्य में वीर्यवर्धक है, प्रमेह में लाभ पहुंचाता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में लाभ पहुंचाता है। तो जननांगों से संबंधित बीमारियों में ये काफ़ी लाभदायक है। किडनी में समस्या हो उसमें भी ये फायदा पहुंचाता है। पथरी के लिए ये बहुत अच्छा है, पथरी की समस्या हो उसमें भी ये लाभदायक है। परंतु अगर किडनी में पहले से समस्या है तो चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही इसका सेवन करना चाहिए। कुछ समय में, कुछ कंडीशन में ये हानिकारक भी साबित हो सकता है किडनी के लिए, तो अपने चिकित्सक की राय लेके ही ऐसे अवस्था में इसका सेवन करें। तो ये थे कुछ लाभ गोक्षुरा के, गोखरू के। जिस प्रकार से इसके कई ज़्यादा लाभ है, उसी प्रकार इसकी कुछ हानियाँ भी है, कुछ सीमाएँ भी है। तो एक नज़र डालते हैं क्या है इसके नुकसान के बारे में। गर्भवती महिला हो या बच्चों को दूध पिलाने वाली माता हो, उनको इसका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जिनको मधुमेह की समस्या हो उनको भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर हो ऐसी अवस्था में भी गोक्षुरा का सेवन नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म में अनियमितता हो, समस्या हो, उनको भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। पीलिया में इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार बच्चों को भी इसका सेवन वर्जित है, नहीं करना चाहिए। और इसका सेवन करने से पाचन पे असर पड़ सकता है, निद्रा पे असर पड़ सकता है, आपका पाचन खराब हो सकता है, अनिद्रा की समस्या आ सकती है। अगर आपको लगता है कि इसका सेवन करने से कुछ साइड इफ़ेक्ट नज़र आते हैं तो इसका मतलब यह औषधि आपको सूट नहीं कर रही। उस अवस्था में आपको इसका सेवन बंद कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जानते हैं क्या है इसकी सेवन विधि। आपको आजकल ये बहुत ही आसान तरीके से मिल जाता है, किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। बहुत सारी कंपनियां इसको बनाती है, हिमालय से लेके पतंजलि हो गई, हिमालय हो गया, और भी जो ये स्वदेशी आयुर्वेदा है, कुछ बहुत सारी कंपनियां इस तरह से आपको ये चूर्ण के रूप में भी मिल जाएगा और ये आपको टैबलेट के रूप में भी मिल जाएगा। तो अगर आपको खाना खाने के बाद इसकी एक से दो गोलियाँ दो टाइम दिन में लेनी है, अगर चूर्ण के रूप में लेते हैं तो 3 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना है। और वैसे भी आप अगर किसी चिकित्सक की सलाह लेके लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बढ़िया है। आपकी ज़रूरत के अनुसार, आपकी चिकित्सक की सलाह के अनुसार आप इसको ले सकते हैं। इसका लगातार ज़्यादा दिनों तक सेवन नहीं करना चाहिए। इसकी तासीर गर्म होती है, तो जब आप इसका सेवन करते हैं तो पानी की मात्रा ज़्यादा रखिए, ज़्यादा मात्रा में पानी पिए।
ताकि इसके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो ये थी कुछ जानकारी गोक्षुरा के बारे में, गोकरू के बारे में। इस तरह से और भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी की जानकारी पाते रहिए। धन्यवाद।